हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जिम बडीज एंड फैमिली व्लॉग। विंटर में आज हम निकले हैं सुबह सुबह आयान को बस स्टॉप तक लेके, और ठंड बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ फॉग भी बहुत ज़्यादा है। पीछे आपको दिख भी रहा होगा, मैं भी आपको सामने भी दिखाता हूँ अभी। गाइस फॉग नीचे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा और ऊपर देखिए, ये देखिए बस दिखना सब बंद हो जाता है क्योंकि फॉग वार्म एयर होती है और वार्म एयर हमेशा ऊपर रहती है और कोल्ड एयर नीचे आती है। वाओ, फॉग में से जो कोल्ड एयर आती है वो नीचे बैठ जाती है तो हम देख नहीं पाते, और जो वो होती है फॉग एयर वो ऊपर रह जाती है क्योंकि वो वार्म हो जाती है। नाइस साइड इफेक्ट एग्जांपल ऑफ फॉग। तो एक्साइटेड है और फॉग का बता दिया बस, फॉग कैसे बनता है। लास्ट डे बिफोर वेकेशन, लास्ट डे ऑफ स्कूल है। अब इसके बाद में आज इनका लास्ट एग्जाम भी है फ्रेंच का। हाँ, में जाता भी है एग्जाम, और फिर उसके बाद में विंटर वेकेशंस है ना, मजा आएगा इस बार शायद। ये ब्रेकफास्ट है आज मॉर्निंग का हमारा, बिल्कुल ये देखिए लो फैट तवे पे है, खाली है तवे पे बना हुआ है बिल्कुल। ये जो है, और ये हमारी चाय अदरक इलायची, थोड़ा सॉस के साथ में इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। सुबह सुबह जो है, अब इस वक्त ब्रेकफास्ट का टाइम है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी अभी आयान को मैं स्कूल की बस में बिठा के आया हूँ और हम लोग अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये जो है अभी आपको मैंने दिखाई दिया वैसे, और कुछ आज स्पेशल सरप्राइज भी है तो मैं अभी आ गया, आप जो है उसमें बने रहिएगा तो मैं आपको सरप्राइज दिखाता हूँ कि क्या है वो। ठंडी हो जाएगी। आशु इधर देखना, से हाय। तो आज इनकी तो स्कूल की जो है छुट्टी है एज डीएम ऑर्डर, छोटे बच्चों की सबकी छुट्टी कर दी गई है। आयानु का आज पेपर था इसलिए वो गए हैं, वरना उनके स्कूल की भी छुट्टी हो जाती। और ये आज सुबह सुबह जो है बैठ के जो है कप में अपना चाय बना रहे हैं, मुझे इन्होंने इसमें से करके चाय भी पिलवा दी है। चाय बहुत अच्छी थी है ना आशु, हॉट चाय जिंजर टी। इधर देख के बताते हैं कैसे बनाई थी आपने चाय, इसमें क्या क्या डाला था बताइए तो सही। आप मीठा अच्छा डोरिटोस भी डाल दिया था इसमें, तो मैं नहीं पता टी कैसे बनती है, इसका मतलब तुमने जादू से बनाई थी वो। बन रही बन रही। आप तो बताओ ये पापा को क्या लगने वाली है, मिर्ची? क्यों? क्योंकि पापा ने बहुत सारे डोरिटोस। फ्रेंड्स जैसे ये निकाले हमने मैक्सिला वाले जो डोरिटोस नाचोस जो है, आशु ने बड़ा तुरंत बोला ओ हो, अब पापा को क्या लगने वाली है, मिर्ची? क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे डोरिटोस दे दिए। सच में पापा देखे क्या? देखूं मैं ये? ये सब क्या करते रहते हो तुम है? तो मम्मी का फोन है, चल कोई नहीं, लगाए रे लगाए रे। हाँ, सही, हाँ, सही सही उड़ा। तो सुबह सुबह का टाइम है, हापुड़ जा रहा हूँ और रास्ते में जबरदस्त फॉग भी है। खैर इधर कुछ कम हो गया है लेकिन बहुत फॉग जबरदस्त था, मजा आ रहा है इस टाइम पे। देखिए क्या शानदार जो है विंटर में फॉग में व्यू आ रहा है सामने का। पहुंच गया हूं मैं हॉस्पिटल, और जो सरप्राइज है जो मैंने है वो शैनू के लिए प्लान किया है। वो एक्चुअली कई दिन से उनका जो फ़ोन था वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो मैंने उनके लिए एक फ़ोन ऑर्डर किया है। और अभी अभी जो है एक मेरे पास में फ़ोन भी आया है, तो डिलीवरी वाले ने फ़ोन को जो है पहुँचा भी दिया है, और अभी तक उनको मैंने बताया नहीं है। तो अब जाऊंगा, जब देखता हूं तो उस फोन को देख के उनको कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स पैकेट जो है घर पर डिलीवर हो चुका है, और अभी अभी फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे करके कोई पैकेट आया है, तो क्या इसे ओपन कर लूँ, इसे ओपन करके देख लूँ। तो मैंने अभी जो है उनको बोल दिया कि नहीं नहीं इसे ओपन मत करना, उसमें परफ्यूम्स आई हैं मेरी। तो वो कह रहे अच्छा अच्छा परफ्यूम्स हैं, कह रहे बहुत परफ्यूम्स मंगाते हो आप। मैंने कि हाँ बस मंगा लिए, ऑफर में थी तो मंगा लिए, तो अभी मैंने बताया नहीं, तो सरप्राइज घर जाके खुलेगा देखते हैं। मैं घर पहुंच गया हूं और अभी जो है मैंने एक शैनू को न्यू ईयर के लिए गिफ्ट मंगा के दिया है,
अब वो इसको अभी ओपन करेंगे तभी बताएंगे गिफ्ट कैसा है। तो बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और बस अब हम ओपन करते हैं गिफ्ट। हेलो, तो बताना क्या है इसमें तेरा हिसाब से। लिपस्टिक। तो अयान ने कहा इसके अंदर लिपस्टिक आई है और आशु नहीं होता है। आशु ने बताया क्या है आशु इसके अंदर। परफ्यूम। इसका तो अंदाजा बिल्कुल सही है। तो चलिए शैन अब अपना गिफ्ट ओपन करेंगी तो देखो इसमें क्या है। गिव मी सीजर बच्चों। अयान के हिसाब से इसके अंदर लिपस्टिक है। लिपस्टिक लिपस्टिक नहीं है। हम तो लिपस्टिक ही बोलेंगे। और गड़बड़ होता है। आशु के हिसाब से इसके अंदर परफ्यूम है। आशु दूसरी रेड वाली दे दीजिए प्लीज। रेड वाली। और नहीं वो आशु नहीं छोड़ दो इसे। नहीं हम बाद में रखेंगे प्लीज। तो ये अनबॉक्सिंग शुरू हो गई है इसकी। ओहो लंका वो घर का भेरी लंका ढाया है। सब बता देता है पहले ही आशु। क्यों बताया मैंने तुझे इसीलिए बताया था। क्योंकि इसके अंदर परफ्यूम है। कहाँ से आया बताऊँ। हाँ अब एक और लंका ढाएगा। कहीं से भी नहीं अमेज़न से आया। अमेज़न से। अरे अनबॉक्सिंग ऐसे। अरे बाबा जी कैसे अनबॉक्सिंग है। ये ऐसी है कि जब टाइम लग रहा हो तभी तो फाड़ दो। जैसे आपने आशु रहने दो रहने दो। यस मुझे कुछ तो दिख रहा है। बेचारे को दर्द हो रहा होगा। अगर वो लिविंग थिंग होता तो। फोन आया है। फोन 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 आया है। सीरियसली फोन आया है। मम्मा का फोन मेरा है। मम्मा का फोन मेरा जी नहीं। आशु कैसा सरप्राइज है मेरा। ओह माय गॉड रियलमी का GT2 प्रो। आई एम वेरी हैप्पी डॉग साहब। थैंक यू सो मच। ये न्यू ईयर गिफ्ट है। हाँ? हमारी एनिवर्सरी कुछ 2-3 महीने में डॉग साहब उसको ना इस पे ले पाएंगे। इसी में कवर कर लेते हैं इसको। आपको फोन दो शुरू। हाँ आपको फोन दो फिर दो कहाँ से आपको जो लेना वो आप ले लेना बस। ये वाला लेना है यही वाला। तो आशु ये वाला न्यू फोन लेंगे अब ठीक है। भी नहीं मिलेगा इनको। अच्छा तुम मम्मा को ले लेना। नहीं बिल्कुल तो भाई का वीवो ले लो। वीवो हाँ ये ले लो आप। नहीं मैं तो मम्मा। ओके 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 चलो लेट्स ओपन इट लेट्स सी। मैं जानता हूँ कौन सा। अब इसके बॉक्स में देखे पहले एक बार जरा यहाँ रखे क्या क्या लिखा है कैसा इसका है पहले। ये देखिए ये है रियलमी का GT2 प्रो 5G मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड। इसमें है 2K सुपर रियलिटी डिस्प्ले। पेपर टेक मास्टर डिजाइन है। स्नैपड्रैगन 8 जनरल 1 प्लेटफॉर्म पे 50 मेगापिक्सल डुअल प्राइमरी कैमरा है। एंड्रॉइड वर्जन 12 है। 12 GB रैम और 256 GB रोम। तो ये आप इसको देखिए अब ये ओपन होगा तब देखते हैं कैसा लगता है। तो ओपन इट। यहाँ से काटना पड़ेगा पहले। ये सील अब यहाँ से ब्रेक होगी। एप्पल का फोन। ओह माय गॉड एप्पल का फोन। साइड से साइड मेरा तो फोन सही था ना डॉक्टर साहब। हाँ ओपन करो ठीक है। बस पोपट ना हो जाए जैसे कुना लिखा हुआ था। पापा मेरा पोपट नहीं करते। पता चले कर ले। 1 2 3 फेस रिवील करेंगे। इधर से ऐसे करके दिख ऐसे इसको सीधा हो जाएगा। अब कर करिए 1 2 3 ओह माय गॉड फोन है यहाँ से। यस ये फोन। ओह ये तो वो है। ओह माय गॉड माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे को चाहिए ये फोन। घर का भेड़ी लंका ढहराता है तो उसको कोई फोन नहीं मिलता। ये आ गया है फोन। अब इसको हम जो है ऑन करेंगे स्विच ऑन करते हैं उसके बाद फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ हटा दीजिए बताता हूँ। इसमें देखते हैं एसेसरीज क्या क्या आई है। इसमें एसेसरीज में एक जो है रियलमी का जो है कवर मिला है। एक सुपर डॉट चार्जर है और एक उसकी डेटा केबल है आई थिंक सो बस यही होगा और सिम इंजेक्टर होगा। और तो अब ऑन करवाते हैं इसको।
स्विच ऑन करिए जरा फोन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशु करेगा ऑन, चलो आशु करेगा मेरा। इसको यहाँ से प्रेस करो, दबा के रखो, रखो दबा के मम्मी के थंब के पास। ये तो ऑन ही नहीं हो रहा। मैं भी हो सकता है पोपट हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कोई न्यू फोन आया है और वो चार्ज नहीं है या वो स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इसमें चार्जिंग नहीं हो। तो इसको अभी जो हम पहले जो है इसका चार्जर कनेक्ट करते हैं, इसकी चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। लीव इट। तो हमने इसकी चार्जिंग कनेक्ट कर दी है, देखें। यस, इट रिस्पोंडेड नाउ। और रियलमी लिख के आ गया इस पे, देखिए। तो इसको थोड़ी देर चार्ज होने देते हैं। अभी जो है जिम से वर्कआउट करके आया हूँ और दोनों बच्चों को ऊपर लेके जाना है। अयान तो ऊपर चले गए हैं मम्मी के साथ में। अभी मैं आशु को ढूंढ रहा हूँ, साइकिल चलाने आते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं। और बहुत अच्छा सरप्राइज था, बहुत खुश हुई शैनू और स्पेशली दोनों बच्चे ही बहुत खुश हुए थे। बाकी शैनू का रिएक्शन जो है मैं कैप्चर करके रात तक आपको दिखाऊंगा। अभी वो देखिए, वो आशु आ गया। आशु कम है, पास पास भाई गए ऊपर, सही में पापा से पापी का वेट कर रहे थे। चलो हम लोग जो है अभी रात का टाइम हो गया है, तो अपने फ्रेंड्स अपने आलम भाई के यहाँ आ गए हैं। हम लोग बैठ गए और थोड़ा चाय पे चर्चा चल रही है हमारी। देखिए हम फर्स्ट का क्या प्लान बनाते हैं और चाय वाय की तैयारी चल रही है अभी। तो फ्रेंड्स कल नाइट में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, अपने फ्रेंड के साथ में बैठे रहे और काफ़ी लेट हो गया था इसलिए उसको जो है फिनिश कर नहीं कर पाए। तो आज का अब ये जो है व्लॉग हम जो है फिनिश कर रहे हैं। बस फिनिश करने से पहले जो है मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब का रिव्यू लूँगा, तो आप लोग देखिए बताएं। तो बताएं डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको फोन फोन के बारे में ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू डॉक्टर साहब एक अच्छा सरप्राइज के लिए, और फोन भी अच्छा लग रहा है। उसी कैमरे से ये वीडियो का हम शूट कर रहे हैं ताकि देखें क्वालिटी कैसी है, कैसा आता है। और फोन अच्छा है, धीरे धीरे उस चीजों को मैं समझ रही हूँ, कैमरा देखते हैं कैसा है। एंड थैंक यू सो मच। तो मतलब ओवरऑल जो है फोन पसंद आ गया, ये बहुत बड़ी जो है मेरे लिए उपलब्धि है। जो ब्लॉग फिनिश करते हैं तो होप सो ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो और जल्दी मिलते हैं एक बहुत जबरदस्त वीडियो के साथ में, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है।